दोस्तों, अगर आपका IC38 का एग्ज़ाम आने वाला है और आप हेल्थ इंश्योरेंस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस को रिजॉल्व करके दिखाएंगे दोस्तों, ताकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी हो। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपको टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं और टोटल मार्क्स रहते हैं 50। ओके, ड्यूरेशन इसका रहता है दोस्तों 60 मिनट्स, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर अगर आप 18 भी आज के दिन में अगर यहाँ पर आप 18 भी ले लोगे तो एग्ज़ाम को पास कर लोगे। तो चलो दोस्तों, हम एग्ज़ाम को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट बेनिफिट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट हेल्थ इंश्योरेंस? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, टैक्स बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 2, ए कॉम्बी प्रोडक्ट मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ एंड हेल्थ कवर बोथ फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरेंस। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, IRDA स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रेस पीरियड गिव्स द पॉलिसी होल्डर डैश डेज अलाउंस विद इन विच ही और शी कैन रिन्यू द पॉलिसी विदाउट लूज ऑफ एनी कंटिन्यूटी बेनिफिट। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। Which of the below group would not be eligible for a group health insurance policy? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 6, ए पेशेंट हु अंडरगोस ट्रीटमेंट आफ्टर गेटिंग एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल ही इज नोन एज इन पेशेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, इन डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट सर्टन डिसीजेस एक्सक्लूडेड आर डैश कॉक कोल्ड फ्लू एंड डिसेंट्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, स्मोकिंग इज हजार्ड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, प्रपोजल फॉर्म शुड बी फिल्ड इन बाय द डैश। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, प्रपोजर। क्वेश्चन नंबर 10, डैश प्रिवेंट्स द इंश्योर्ड फॉर्म कलेक्टिंग ट्वाइस फॉर द लॉस। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, सबरोगेशन। क्वेश्चन नंबर 11, डैश कॉजेस अ लॉस पैरिल। राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, कैन ए माइनर एंटर इनटू ए कॉन्टैक्ट? ऑप्शन सी, नो कैनॉट एंटर इंटू एनी कॉन्टैक्ट्स। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर टेकिंग इंश्योरेंस डैश इज मोस्ट नीडेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर ए थ्रेटन्ड मिस्टर बी एंड फोर्स्ड हिम टू एंटर ए कॉन्टैक्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोर्शन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कोइर्शन। क्वेश्चन नंबर 15, कैविएट एम्प्टर मीन्स डैश बायर बीवेर। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रेजेंस ऑफ डैश मेक्स ए कॉन्टैक्ट अनफोर्सेबल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों, फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर टेकिंग इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मोस्ट बियर ए डैश रिलेशनशिप लीगल रिलेशनशिप। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बोथ द पेशेंट्स टू ए कॉन्टैक्ट मोस्ट एग्री एंड अंडरस्टैंड द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस विच इज कॉल्ड। ऑप्शन सी, कंसेंसस एड आइडियम। इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, देर इज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस, विच वन? ब्रदर एंड सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी देन इंश्योरेबल इंश्योरेंस कॉन्टैक्ट इज नुल एंड वॉइड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, पर्सनल एक्सीडेंट does not cover the injuries resulting from
इंटेंशनल सेल्फ इंजरी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर गवर्न्ड बाय डैश, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, द अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर इज नोन एज प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैश इज द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 25, विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स इंफॉर्मेशन विच आर यूजफुल फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सेप्ट द रिस्क ऑफर्ड फॉर इंश्योरेंस। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रपोजल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 26, एज पर गाइडलाइंस एन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू प्रोसेस एन इंश्योरेंस प्रपोजल विद इन 15 days। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रीमियम रिलेटेड टू ऑल द राइडर्स पुट टुगेदर शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द प्रीमियम ऑफ द मेन प्रोडक्ट, ऑप्शन बी 0.3 इसका सही आंसर है दोस्तों 0.3। क्वेश्चन नंबर 28, इन केस द प्रीमियम पेमेंट इज मेड बाय चेक देन विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू, द रिस्क मे बी अज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच द चेक इज डिपॉजिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड बेसिस टू टेक एनी डिसीजन ऑन एक्सेप्टिंग और रेफ्यूजिंग द इंश्योरेंस, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रपोजल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 30, द हेल्थ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज ए कंडीशन दैट प्रीमियम शैल रिमेन अनचेंज्ड फॉर 3 years। क्वेश्चन नंबर 31, IRDA इशूड गाइडलाइंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन हेल्थ इंश्योरेंस इन 2013, इसका राइट आंसर है दोस्तों 2013। क्वेश्चन नंबर 32, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 categories, इंडेमनिटी, फिक्स्ड बेनिफिट्स एंड क्रिटिकल इलनेस। क्वेश्चन नंबर 33, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी इज वन ऑफ द माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर्ड बाय PSUs, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इन द एसेट टू बी इंश्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, इन अ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एनी ऑफ द इंडिविजुअल कंस्टिट्यूटिंग द ग्रुप कुड एंटी सेलेक्ट अगेंस्ट द इंश्योरर टू, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज ओनली टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज ग्रुप, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 36, एज पर रिस्क क्लासिफिकेशन द एंटिसिपेटेड मॉर्बिडिटी हिज अमंग स्टैंडर्ड रिस्क हिज एवरेज, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड इज करेक्ट, एनालिसिस ऑफ डिफिकल्ट और डाउटफुल केसेस इज नॉट पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल पॉइंट्स विदाउट मेडिकल रेफरीज और एक्सपर्ट्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, वन ऑफ द की रेटिंग फैक्टर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी इज क्लेम पेइंग एबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी स्टेक होल्डर इन इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 40, इन ओवरसीज ट्रैवल पॉलिसीज फॉरेन करेंसी पेमेंट इज इफेक्टेड फॉर ओनली कैशलेस क्लेम्स। क्वेश्चन नंबर 41, टेस्टिमोनियल बाय द कस्टमर इज एंडोर्समेंट ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, कोल्ड कॉलिंग इज मीटिंग अननोन पीपल्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, ईजिएस्ट वे ऑफ सेलिंग इज मीटिंग इमीडिएट ग्रुप, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज अ टोटल ऑफ ऑल द अबव, हिस्टोरिकल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू, ऑल द अबव इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, एज पर डेफिनेशन व्हाट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इन इंश्योरेंस,
सम टोटल ऑफ प्रीमियम एंड अदर रिवेन्यू रिसीव्ड इन द पास्ट प्लस प्रीमियम एंड अदर रिवेन्यू एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर एंड व्हाट इज़ पॉसिबल टू ड्राइव इन फ्यूचर तक पर्सुएशन। इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट आर द रूल्स ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट इन कस्टमर सर्विस। इसका राइट आंसर है दोस्तों बेस्ट एडवाइस एट द पॉइंट ऑफ सेल, सपोर्ट क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रपोजल स्टेज एंड एक्सपेक्टेंस स्टेज, एम्पथी एंड हेल्प एट द क्लेम स्टेज, डी ऑल द थ्री। राइट आंसर है तो इसका ऑप्शन डी ऑल द थ्री। क्वेश्चन नंबर 47, एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938 एडवांस पेमेंट ऑफ प्रीमियम बिफोर अज्यूमिंग रिस्क इज अंडर सेक्शन 64VB। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 48, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ऑप्शन ए 2000। दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आता है, इसको आप ज़रूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 49, एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। क्वेश्चन नंबर 50, द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 वॉज अमेंडेड इन द ईयर 2010। दोस्तों 50 क्वेश्चंस को हमने मार्क किया है, अब हम इसको सबमिट करेंगे और देखेंगे कि कितने मार्क्स हमको इस एग्जाम में, इस मॉक टेस्ट में मिलते हैं। सो डू यू वांट टू सबमिट टेस्ट? यस ओके, लेट्स सी कितने मार्क्स हमको इसमें मिलते हैं। दोस्तों अब देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशंस यू पास दिस टेस्ट, टोटल क्वेश्चंस 50, टोटल अटेम्प्टेड 50 एंड करेक्ट आंसर्स 50। 100% हमारा रिजल्ट हो गया दोस्तों, हमने 50 को 50 सही मार्क किया है, तो हमको 50 को 50 मार्क्स मिले दोस्तों, 100% रिजल्ट हो गया। अगर आप 18 भी सही मार्क करोगे तो इस एग्ज़ाम को आप पास कर जाओगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू दोस्तों।